हाथरस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है, इसका जवाब यूपी सरकार ने दे दिया है। यूपी सरकार की तरफ से गठित एसआईटी 150 लोगों के बयानों के साथ जांच पूरी कर रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी है। 2 जून को हाथरस जिले में नारायण साकार विश्वहरि के सत्संग में भगदड़ मचने के बाद 121 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे की जांच के लिए यूपी सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी ने 300 पेज की अपनी जांच रिपोर्ट में हाथरस के डीएम और एसपी समेत 150 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। एसआईटी की जांच रिपोर्ट में सिलसिलेवार तरीके से बताया गया है कि किस तरह से भगदड़ हुई, क्या इंतजाम थे, किसका क्या रोल रहा और घटना के लिए जिम्मेदार कौन है। इन सब बातों का जिक्र इस रिपोर्ट में है। आगरा की एडीजी अनुपमा कुलश्रेष्ठ और अलीगढ़ की डिविजनल कमिश्नर चेत्रा वी ने ये रिपोर्ट तैयार की है। समझा जा रहा है कि इसी रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई हो सकती है। वैसे सीएम योगी आदित्यनाथ इस घटना के लिए पहले ही सेवादारों को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं और वे साजिश का शक भी जताते रहे हैं। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। क्राउड मैनेजमेंट का पर्याप्त इंतजाम ना होने से स्थानीय प्रशासन पर गाज गिर सकती है। आयोजन की शर्तों के अनुपालन की भी जांच हुई है। रिपोर्ट में लोकल प्रशासन की जिम्मेदारी दिखाई गई है कि कैसे इतनी भीड़ के बाद भी प्रशासन ने भीड़ के मुताबिक इंतजाम क्यों नहीं किए या फिर करवाए। रिपोर्ट में फिलहाल भोले बाबा की किसी गलती का जिक्र अभी नहीं किया गया है। हाथरस हादसे के बाद से नारायण साकार फरार है। उनके वकील एपी सिंह ने दावा किया है कि हादसे वाले दिन कुछ अराजक तत्वों ने श्रद्धालुओं की भीड़ पर जहरीला स्प्रे किया था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। हाथरस हादसे के बाद भोले बाबा के कई चमत्कारिक दावे भी सामने आए। उनके अनुयायी उन्हें परमात्मा की उपाधि देते हैं। उनके चरणों की रज और सत्संग में प्रसाद के रूप में मिलने वाले पानी को चमत्कारी मानते हैं। बाबा के मानने वालों में सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की है और हाथरस हादसे में मारे जाने वालों में भी सबसे ज्यादा महिलाएं ही थी। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।